Assalamu alaikum everyone, this is Sayyid Haseeb Zia and thanks for tuning into my YouTube channel Sayyid Haseeb. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा कोरोना वायरस के बारे में, तो लेट्स स्टार्ट. ज़्यादातर बात करेंगे अपने कंट्री पाकिस्तान के बारे में और थोड़ा बहुत टच करेंगे बाहर की दुनिया को भी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्नॉलेज दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस COVID-19 इज़ अप टू डेट टुडे. लाइक टुडे इज़ 30th March एंड इट्स मंडे. और जो मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ मैं बताऊँगा या तो CNN से और या फिर BBC से. जो सारे केसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ऑलमोस्ट 7,23,000 हो गए हैं और 33,000 ये वही स्प्रे वाला जहाज़ है मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में घूम रहा होता है कि आर्मी का हेलीकॉप्टर स्प्रे करेगा. 7,23,000 टोटल इन्फेक्टेड केसेस है जो कंफर्म है और 33,000 ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड डेथ हो गए हैं. अच्छा एक बात मुझे समझ नहीं आ रही यार, मतलब जब स्टार्ट में हो गया तो US में बहुत कम केसेस थे, बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन अब आजकल US में 1,39,700 केसेस हो गए हैं और 2,400 डेथ हो गए हैं, मतलब 2,400 डेथ हो गए हैं और 1,39,000 केसेस हो गए हैं. तो मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, पता नहीं जो भी मसला है. ये तो कंफर्म है, ये चीज़ तो कंफर्म है कि ये इकोनॉमिक वार है, लेकिन जो भी है आजकल जो सिचुएशन और जो सिनेरियो चल रहा है तो आजकल सारा सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है. मतलब एक से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है सिवाय चाइनीज़ के. चाइनीज़ ने कंट्रोल कर दिया है और पिछले 24 घंटों में सिर्फ 3 डेथ हो गए हैं चाइना में, तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़. तो अगर पाकिस्तान की बात हम करें तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 1,571 केसेस है और 28 बंदे रिकवर हो गए हैं और 14 डेथ हो गए. मोर देन 10,000 आर अंडर ऑब्जर्वेशन. इटली में ऑलमोस्ट 90,689 टोटल कन्फर्म केसेस है जिसमें से 13,030 रिकवर हो गए हैं और 10,779 मर गए हैं. और चाइना में वही रेशो है, बस थोड़ा सा अप एंड डाउन होता रहता है, मतलब दो दो चार चार केसेस अप डाउन होते हैं. 81,479 जिसमें से रिकवर हो गए हैं 75,730 और जिसमें से डेथ हो गए हैं 3,304. ये एक और मैप सा बना हुआ है, आप देख ले, बहुत ही मज़े का वेबसाइट है ये वाला. तो इसका लिंक मैं इधर अपनी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन करता हूं, तो आप लोग जाके इस पे देख सकते हो. ये बहुत ही मतलब बहुत मज़े का है. आप किसी भी जगह पे क्लिक करके, जैसे कि मैंने अभी यहां पे कनाडा पे क्लिक किया हुआ है, जो कंफर्म केसेस है वो आपको नज़र आ रहे होंगे और जो रिकवर है वो आपको नज़र आ रहे होंगे और इसके साथ साथ जो डेथ हो गए हैं वो भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे क्लियरली. सो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब मज़े की सॉफ्टवेयर है ये. अगर आप लोग इधर देखिए, अगर मैं अपना पाकिस्तान सर्च करूँ यहाँ पे, तो वेयर इज़ पाकिस्तान, इट्स हियर पाकिस्तान. ये आप देख ले, आपको नज़र आ रहा होगा जितने डेथ हो गए हैं, जितने रिकवर हो गए हैं और जितने अभी कंफर्म केसेस है. तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल लेता हूँ और नीचे कमेंट में भी पिन करता हूँ, तो आप लोग जाके उधर से क्लिक कर सकते हो अपने. अच्छा अब बात करते हैं, जैसे कि वीडियो का टाइटल से आप लोगों को लग रहा होगा, जैसे मैंने बता दिया कि गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, लेट मी प्रूव, मैं प्रूव कर दूंगा कि पाकिस्तान के लिए और ये हमारे जो एशियाई ममालिक है, खासकर जो पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, उनके लिए खुशखबरी किया है. पाकिस्तान में कन्फर्म केसेस है 1,571 जिसमें से 28 रिकवर हो गए हैं और 14 डेथ्स हो गए हैं. इंडिया में है 1,161 जिसमें से 102 रिकवर हो गए हैं और 28 डेथ्स हो गए हैं. और अफगानिस्तान में है 120 जिसमें से 2 रिकवर हो गए हैं और 4 डेथ्स हो गए हैं. दूसरी साइड पे अगर आप लोग अफ्रीका साइड पे देख लो तो सेंट्रल अफ्रीका में 3 कन्फर्म केसेस है जिसमें से 0 डेथ्स है और 0 रिकवर हो गए हैं. साउथ अफ्रीका में 1,280 केसेस है जिसमें से 31 रिकवर हो गए हैं और 2 डेथ्स हो गए हैं. इसको आप एक साइड पे कर लो और फिर यूरोप साइड पे चले जाओ या अमेरिका साइड पे चले जाओ. जो अमेरिका है वो तो बहुत ही मतलब एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रही है आजकल. तो अमेरिका में टोटल केसेस है 1,42,537 1,42,537 जिसमें से 4,767
रिकवर हो गए हैं और 2510 डेथ्स हो गए हैं, जो कि बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है अमेरिका के लिए। दूसरे शहर पे इटली में देख लो तो 97,689 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, जिसमें से 1,330 रिकवर हो गए हैं, 10,779 डेथ्स हो गए हैं, जो कि बहुत ही एक हाई रेशो है। और हमारा जो रेशो है तो वो उन रेशो के मुकाबले में बहुत ही कम है, बहुत लो रेशो है। अब बात करते हैं कि ये क्यों। इसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पे जो आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा कि ट्रंप ने, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उसने एक मेडिसिन का नाम दिया था जिसका था क्लोरोक्वीन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। एक क्लोरोक्वीन, एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये दो मेडिसिन जो है ये ज़्यादातर मलेरिया में यूज़ होते हैं। आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मलेरिया में यूज़ होते हैं। सिनेरियो कुछ ऐसा है कि 2012 में एक डिजीज़ आया था मर्ज, जिसको मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं। ये भी एक कोरोना वायरस ही है। ये वायरस आया था बेट से, चमगादड़ से, ऊंट में, और ऊंट से फिर इंसानों में मुंतकिल हो गया था, मतलब ट्रांसमिट हो गया था। लेकिन उसने इतनी ज़्यादा तबाही नहीं मचाई थी जितना इस कोरोना वायरस ने मचाई हुई है। और इसकी मेन वजह यह है कि यह स्ट्रांग म्यूटेंट होकर आया हुआ है। तो और जो 1934 में जो एंटी मलेरियल ड्रग्स थे जो ज़्यादा इफेक्टिव थे, उसमें एक क्लोरोक्वीन था और एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन था। इसी बिना पे फिर इन्होंने रिसर्च की और इस बात को मुस्बत साबित हुआ कि मर्ज के लिए इफेक्टिव मेडिसिन जो है वो क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जो पहले से मलेरिया गुजार चुके हैं और जो मलेरियल एंटी मलेरियल टाइप ड्रग्स ले चुके हैं पहले से, क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या जो भी इससे रिलेटेड ड्रग्स हो, तो वो जब आप एक दफ़ा लेते हैं तो आपके जो खोलिए हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो उसमें उसके आउटर सरफेस पे चेंजेस आती है। तो उस चेंजेस की वजह से आपके जो कोरोना वायरस है वो आपके खोलियों में अंदर नहीं दाखिल हो सकता। तो इट्स वेरी इफेक्टिव और ये एक रिसर्च बेस्ड डिस्कशन है। तो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये अभी जो लेटेस्ट अमेरिकन रिसर्च है, FDA उन्होंने जो रिसर्च की हुई है, मैं उसी की बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। तो एक ये बात हो गई कि आपके सेल सरफेस पे चेंजेस आ जाते हैं, उसी वजह से फिर वो कोरोना वायरस आपके खोलियों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी RNA आपके खोलियों में अंदर नहीं जाएगी, तो फिर आपके खोलिए सेफ रहेंगे। और दूसरी बात, आप इस वायरस से अपने आप को ऐसे भी बचा सकते हो कि एनहांस योर इम्यूनिटी। तो अगर आपने पहले से ऐसी कोई डिजीज़ गुजारी हो जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई हो, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है। तो इट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान और जो पाकिस्तान के सराउंडिंग जिस एरिया में और ग्लोबली जिन कंट्रीज़ में ये मलेरियल पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में, तो वो कंट्रीज़ ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं होती। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि WHO वाले ने इस चीज़ को अप्रूव नहीं की है। WHO वाले कह रहे हैं कि ये चीज़ अभी हमने अप्रूव नहीं की है, लेकिन FDA ने इसी रिसर्च को सामने रखते हुए इस चीज़ को इफेक्टिव माना है। तो लेट्स होप फॉर बेस्ट और इंशाल्लाह पाकिस्तान उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा जितना दूसरे कंट्री इफेक्ट हो रहे हैं और हुए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, जो यूनाइटेड स्टेट्स है उनके नंबर्स इतने जल्दी क्यों ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं? अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो तो आप लोग मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।